एवरीवन, नमस्ते, शुभकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उमदा होंगे। आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज दिखाई, घर दिखाए, लग्जरियस दिखाया, बजटिंग दिखाया, हर तरह की चीज़ दिखाई, बट आज मैं आपको वो घर दिखाऊंगा जिसके आगे सारे घर फेल हैं। वो बारगाह दिखाऊंगा जो इंडिया, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे एशिया के सबसे बड़ा घर है, जो खुदा का घर है। तो आज जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, झीलों की नगरी भोपाल में, और इस्तकबाल करता हूँ आप सभी लोगों का, व्यूवर्स का। एंड मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं, ये जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत और उम्दा है। और ये जो मस्जिद है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा मस्जिदों के ताज, ताजुल मसाजिद को। तो ये जो मस्जिद है, ये बहुत ही अहमियत रखती है हर तरह के कुनबे के लिए। और ये वो घर है जहाँ हर एक शख्स, जो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कुनबे का हो, सभी लोगों के लिए ये मका बना है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे, आज हम जानेंगे एशिया और भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के बारे में, कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। सन 1887 से 1901 में इसका मुकम्मली तौर पे काम स्टार्ट किया गया था। बहादुर शाह जफर के दौर में शाहजहाँ बेगम ने इसका काम स्टार्ट करवाया था। एंड उनके इंतकाल के बाद उनकी बेटी बेगम सुल्ताना ने इसके कमान संभाली और इसके काम में लगी रहीं। बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये उस वक्त में मुकम्मली तौर पे कंप्लीट ना हो सकी। फिर 1971 में फिर से इस मस्जिद का काम स्टार्ट किया गया। एंड 1985 में ये मुकम्मल तौर पे पूरी तरह से बनकर रेडी हुई, जो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद, मस्जिदों का ताज कहलाई। तो आज हम इस मस्जिद को बेहतर तरीके से जानेंगे, को पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि इस मस्जिद की क्या क्वालिटीज़ हैं एंड इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें, एंड जो भी चीज़ें, जो भी बातें मुझे पता चलती हैं, मैं सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और अगर इसमें मुझसे कुछ भूल चूक हो जाती है तो माफ़ी तलब करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्लोर करना ताजुल मसाजिद को। ताजुल मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ स्थित ताजुल मस्जिद मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ताजुल मस्जिद भोपाल के मोतिया तालाब के पास स्थित है। अगर आप भोपाल जाएँ तो ताजुल मस्जिद जाए बिना आपके भोपाल का सफ़र अधूरा है। ताजुल का अर्थ है मस्जिदों का ताज। देखने में ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत और यहाँ सजे गुंबद वाकई किसी ताज से कम नहीं दिखते। भोपाल की ताजुल मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ताजुल मस्जिद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद की संरचना काफ़ी अट्रैक्टिव एंड रॉयल है। बस ताजुल मस्जिद का इतिहास कुछ ऐसा था कि इसका निर्माण कार्य बमुश्किल पूरा हो पाया और आज ये इमारत दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक है। गुलाबी रंग से रंगी ताजुल मस्जिद में सफ़ेद गुंबदों के साथ विशाल मीनारे हैं। बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत के बारे में बताया जाता है कि ताजुल मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रेरणा लेकर बनाई गई। ताजुल मस्जिद की तामीर का काम भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था। शाहजहां बेगम बांकी मोहम्मद की अहलिया थीं। उनके बाद नवाबों की हुकूमत में इस मस्जिद की तामीर का जिम्मा उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने जारी रखा। हालांकि फंड की कमी की वजह से इस मस्जिद की तामीर पूरी मुकम्मल ना हो सकी और शाहजहां बेगम का ये ख्वाब अधूरा रह गया। लंबे वक्त के बाद भोपाल के आलमा इमरान मोहम्मद खान और मौलाना शहीद
अशमत अली साहब की कोशिश से 1971 में इसकी तामीरी काम एक बार फिर से शुरू किया गया और 1985 तक चला, जिसके बाद ये खूबसूरत इमारत बनकर पूरी हो सकी और दुनिया में आज ताजुल मस्जिद खूबसूरत स्मारक में से एक मानी जाती है। सबसे पहले ताजुल मस्जिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का ख्वाब सिकंदर बेगम ने देखा था। सिकंदर बेगम भोपाल के बहादुर शाह जफर की बीवी थी, इसलिए आज भी सिकंदर बेगम का नाम ताजुल मस्जिद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। सिकंदर बेगम 1861 में दिल्ली की जामा मस्जिद गई तो उन्होंने देखा कि जामा मस्जिद को ब्रिटिश सेना ने घुड़साल में बदल दिया है। उन्होंने पूरी कोशिश के बाद उस मस्जिद को हासिल कर लिया और यहाँ शाही इमाम की स्थापना की। जामा मस्जिद से प्रेरित होकर उन्होंने भोपाल में भी एक ऐसी मस्जिद बनाने का इरादा किया। सिकंदर बेगम का ये सपना उनके जीते जी अधूरा रह गया, जिसके बाद उनकी बेटी नवाब शाहजहाँ बेगम ने इसे अपना ख्वाब बना लिया। हालाँकि धन की कमी की वजह से उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया, जिसका जिम्मा उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने संभाला। लेकिन ये ताजुल मस्जिद का इतिहास का दुर्भाग्य रहा कि उनके जीते जी ताजुल मस्जिद का निर्माण पूरा ना हो सका। ताजुल मस्जिद की खूबियों की अगर बात की जाए तो ये ज़मीन से काफ़ी ऊँचे प्लेटफॉर्म पर बनी है, जहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी सारी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों को देख कर आप इसकी शान शौकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होना इसकी आली शान शोहरत का सबूत देता है। ताजुल मस्जिद का मरकसी दरवाज़ा यानी मेन गेट मुख्य द्वार 2 मंजिला और 74 फीट ऊंचा है। इसके शुमार की तरफ ख़वातीन हिस्सा है, जिसमें लेडीज़ नमाज अदा कर सकती हैं। ताजुल मस्जिद में सहन के मगरिब में इबादत गाह है, जिसके कालमों की बुनियाद पर 9 दाखिले और छत है, जिसमें 27 खोखले गुंबद हैं। मस्जिद में सोने की स्पाइक से जड़ी लाल सुर्ख रंग की मीनारें हैं। यहाँ 2 सफ़ेद गुंबद जैसी मीनारें हैं, जिसे दोपहर में मदरसा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द स्ट्रक्चर वॉज द प्लान इन द मिड्स ऑफ 3 water bodies, नेमली मुंशी हुसैन तालाब, नूर महल तालाब एंड मोतिया तालाब। The entrance was the renovated with the motifs from the 13th century Syriac mosque donated by the Amir of Kuwait in memory of his late wife. मस्जिद में हुजूम की कैपेसिटी की बात की जाए कि यहाँ पर कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है, तो कैपेसिटी में 1,75,000 प्लस लोग यहाँ पर इजीली नमाज पढ़ सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। एंड इंटीरियर एरिया जो इसका अगर स्क्वायर फिट निकाला जाए तो 23,000 meter निकलता है एंड स्क्वायर फिट में 2,50,000 स्क्वायर फिट इसका इंटीरियर एरिया है। एंड यहाँ पर 3 गुंबद हैं एंड 2 मीनारे हैं। मीनारों की हाइट की अगर बात की जाए तो 67 मीटर की मीनारे हैं। मस्जिद की जो आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है, जो शैली है, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है एंड मुगल आर्किटेक्चर है। इसका ये मिक्स मिश्रण है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश अट्रैक्ट करने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर से अंदर से दोनों तरफ से मस्जिद बहुत ही कशिशमंद है कि एक बार नज़र चली जाए तो आप नज़र नहीं हटा सकते। ताजुल मस्जिद काफ़ी हद तक मुगल वास्तुकला से इंस्पायर है। मस्जिद का गुलाबी रंग देखने वालों की आंखों को सुकून देता है, जिसकी 2 18 मंजिला ऊंची मीनारें जिसमें संगमरमर से बने गुंबद आपकी नज़रों को इस मस्जिद से नज़र हटाने नहीं देंगे। अट्रैक्टिव पिलर्स वाला मस्जिद के अंदर का दालान और संगमरमर का फर्श दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद जैसा दिखता है। इसके बीच में बनाया हुआ वजू खाने के साथ आंगन वजू बनाने वालों को वो सुकून देता है जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इस मस्जिद का मेन गेट जो 2 मंजिला बना है, उसकी खूबसूरती से ही आप अंदर की नक्काशी का अंदाजा लगा सकते हैं। इबादतगाह में 4 मेहराब, दार मेहराब और 9 मुड़े हुए दाखिले और हॉल में बड़े खंभों में घुमावदार मेहराबों के जरिए से 27 छतें, जिसमें 16 छतें दिलकश और नायाब पंखुड़ी वाले डिजाइनों से सजाई गई हैं कि कोई भी शख्स एक बार यहाँ आकर बैठ जाए तो उसका दिल दोबारा उठने का ना करे। नवाब शाहजहाँ बेगम ने मस्जिद की तामीर से पहले ताजुल मस्जिद का वैज्ञानिक नक्शा तैयार कराया था। उन्होंने साउंड वेव्स की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए खाली पड़े गुंबदों की एक संरचना तैयार कराई कि मुख्य गुंबद के नीचे खड़े होकर कोई इमाम कुछ कहेगा तो उसकी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजेगी। शाहजहाँ बेगम ने मस्जिद को आकर्षक रूप देने के लिए विदेश से ख़ास तौर से 15 लाख का पत्थर भी मंगवाया था। ये पत्थर ऐसा था जिसमें अक्स नज़र आता था, इसलिए मौलवियों ने इस पत्थर को मस्जिद में लगवाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन याद के तौर पर आज भी ऐसे कुछ पत्थर दारुल उलम में रखे हुए हैं। एक वक्त पर यहाँ हर साल 3 दिन का इज्तिमा हुआ करता था, जिसमें भोपाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया की हर एक कंट्री से जमातें शिरकत किया करती थी, जिसे आज के वक्त में ईंट खेड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ताजुल मस्जिद के अमेजिंग फैक्ट
एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मोतिया तालाब आप देख रहे हैं ताजुल मसाजिद के वजू खाने की होस के लिए बनाया गया था। किसी भी मस्जिद का वजू खाना मस्जिद का ही एक पार्ट होता है। अगर इस तालाब का क्षेत्रफल को देखा जाए तो 6,40,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल है, जिसमें 10,000 लोग यहाँ पर आराम से बैठ के वजू कर सकते थे। एंड मस्जिद के एरिया और तालाब को मिलाकर 8,00,000 स्क्वायर फीट के ऊपर का क्षेत्रफल जाता है, जिससे ये मस्जिद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कही जा सकती है। और मोतिया तालाब उस वक्त के दौर पर सबसे बड़ा वजू खाना जब ये होस की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता था। एंड दूसरा सबसे बड़ा अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये जाली नुमा जो दीवार देख रहे हैं आप, ये बलुआ लाल पत्थर से बनाई गई है। ये इबादत गाह वाले एरिया में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड है। इस दीवार के पीछे खवातीन सेक्शन है, जिसमें वो मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं। इस जाली नुमा दीवार को इस तरह से बनाया गया है कि मर्द अंदर की तरफ अगर झाँकेंगे तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन खवातीन अगर बाहर की तरफ झाँकेंगी तो उन्हें घुटनों से नीचे तक के हिस्से नज़र आएंगे मर्दों के, और इमाम की आवाज़ प्रॉपर अंदर तक जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा अमेजिंग फैक्ट ये मस्जिद परिसर की मियाद का दायरा है, जिसमें बाहर के साइड ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं ये मस्जिद परिसर की शॉप्स हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को शॉप दी गई है। हिंदू मुस्लिम जैन सभी धर्मों के लोग यहाँ बरसों से अपनी जीविका चला रहे हैं। इससे भोपाल शहर की धार्मिक एकता जाहिर होती है। तो ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।